दिस चारू जैन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो बात करेंगे आज हम इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियोज़ में वर्ड्स सेट ऑफन में भी कन्फ्यूज कराया है। बाकी अब जो तीसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको वोकैबलरीज कराए हैं, तो इसमें भी मैं आपको आगे के 5 वर्ड्स की वोकैबलरीज कराऊँगी, जिसमें मैं आपको उसके हिंदी के मीनिंग भी बताऊँगी और साथ साथ सेंटेंस भी बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबलरीज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको कुछ पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हेल्पफुल है सीटेट के लिए, DSSSP, KVS, NVS, HTET, रीट या कोई भी टेट हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये आपको बहुत काम आएगा और इस तरह की इंग्लिश पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वोकैबलरी वर्ड, या फिर अगर हम कहें सीरीज़ वाइज तो हमारा 6th वोकैबलरी वर्ड जो है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट होता है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण मतलब द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी इंसान की हेल्प करने की, वो काम जो है गलत कर रहा है, कुछ गलत काम में किसी का साथ देना, उसको बोला जाता है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट का सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज चार्ज फॉर द एक्ट ऑफ अबेटमेंट। उसने अबेटमेंट की, मीन्स किसी का साथ दिया तो उसको चार्ज किया गया। चार्ज मतलब चाहे उसको जेल हुई या उसको फाइन लगा, जो भी हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की ओर। तो दूसरा वर्ड है आपका अबेयंस। तो अबेयंस क्या होता है हम ये देखेंगे। अबेयंस की हिंदी में मीनिंग देखते हैं, निलंबित अवस्था। निलंबित अवस्था क्या होती है? सस्पेंडेड एक्शन, मीन्स किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना, हटा देना। लाइक इसका सेंटेंस देखते हैं, द प्लान वॉज हेल्ड इन अबेयंस ड्यूरिंग द 1960 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जब 1960 के प्रेसिडेंशियल यानी प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन हुए थे तो प्लान को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की ओर। थर्ड वर्ड है आपका एबोर। तो एबोर क्या होता है ना, आप लोग देख सकते हो, एबोर अगर आपको याद करना है, भोर तो यानी घृणा करना। एबोर मीन्स घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट, जैसे कि हेट करना, नापसंद करना, लाइक दिस। इसके सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है, आई एबहोर द स्मेल ऑफ बर्नड पॉपकॉर्न। मुझे जले हुए पॉपकॉर्न की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, घृणा आती है उससे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा फोर्थ वर्ड है, एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट क्या होता है? एब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे लिखा है यहाँ पर, बुरी हालत में। तो बुरी हालत का मतलब यानी एब्जेक्ट, और इसको इंग्लिश में अगर देखें और मॉडिफाई करके तो एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। इसका सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस है, ही डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। वो इंसान जो है बुरी हालत से, गरीबी से मर गया 1961 में 57 साल की उम्र में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड और लास्ट, फिफ्थ वर्ड, या फिर बोले तो 10th वर्ड। हमारे 10 वर्ड हो गए हैं अब तक। तो इसका वर्ड है एब्ज्योर। तो एब्ज्योर क्या होता है? एब्ज्योर यानी सौगंध खाकर त्याग करना, जैसे कसम खाकर कुछ चीज़ त्याग करते हैं, ओथ जिसे बोलते हैं, तो रिनाउंस अपॉन ओथ। तो इसका अगर सेंटेंस देखूँ तो सेंटेंस जो है वो रहेगा, ही डिड नॉट एब्ज्योर ऑल द राइट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। उसने जो है सारे हॉस्पिटैलिटी के राइट्स जो हैं अभी त्याग नहीं किए हैं। तो ये थे मेरे कुछ 5 वर्ड्स। आई होप आपको समझ आए होंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब इससे आगे की वीडियोस मैं और धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।